हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन पढ़ रहे हैं और जो पढ़ रहे थे अपन लैब असिस्टेंट सीरीज ज्योग्राफी अपन पढ़ रहे थे और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में। दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास को पढ़ने के साथ साथ में हम पढ़ेंगे तारों की उत्पत्ति के बारे में, चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में, सौरमंडल की बनावट के बारे में, इसके अलावा स्थलमंडल के विकास, जलमंडल के विकास और वायुमंडल के विकास के बारे में, और साथ ही अपन पढ़ेंगे पृथ्वी पर जीवन के बारे में, जीवन की शुरुआत किस तरीके से हुई इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और चैप्टर में शुरुआत में जो अपन स्टार्ट करते हैं वो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, किससे संबंधित, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपन शुरू करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। मुख्य रूप से अपन पढ़ेंगे जो कुछ प्राचीन समय में दिए गए थे और वर्तमान में जो सर्वमान्य है, सब लोकप्रिय है, या सभी लोग, सभी विद्वानों ने इसे मान्यता प्रदान की है, उस सिद्धांत के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत है उसको अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक सिद्धांत तो वे थे जो आरंभिक सिद्धांत थे, यानी कि शुरुआत में जो सिद्धांत दिए गए थे, और एक सिद्धांत वो थे जो आधुनिक थे, जिन्हें वर्तमान में मान्यता दी गई है, जिन्हें वर्तमान में जो सभी विद्वान है उन्होंने मान लिया है कि ये सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बिल्कुल सही है, फैक्ट है। तो अपन बात करें आरंभिक सिद्धांतों की, तो दोस्तों आरंभिक सिद्धांतों में एक सिद्धांत आता है निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना पहला सिद्धांत आता है आपका, निहारिका परिकल्पना। दोस्तों, निहारिका परिकल्पना सिद्धांत को देने वाले जर्मन दार्शनिक थे इमैनुअल कांट। किसने दिया था ये? इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जर्मनी के विद्वान थे इमैनुअल कांट, और इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कौन से सिद्धांत को? निहारिका परिकल्पना सिद्धांत को। ये सिद्धांत कैसे बताता है, क्या बताता है? दोस्तों, ये सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी जो है, या जो ग्रह है, ग्रह भी बोल सकते हैं अपन, पृथ्वी भी बोल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी क्या है, एक प्लेनेट है, एक ग्रह है। तो पृथ्वी जो है, या जो विभिन्न ग्रह है, ये बने हैं एक घूमते हुए धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से बने। इन्होंने क्या कहा कि धीमी गति से घूमते पदार्थों के बादल से हुआ, पदार्थों के बादल से हुआ। किसका निर्माण हुआ दोस्तों? ग्रहों का, बादल से हुआ। ये किसने कहा? ये कहा इमैनुअल कांट ने। इमैनुअल कांट ने कहा कि जो वर्तमान में ग्रह है वो बने हैं प्रारंभिक समय में एक धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल थे, यानी कि पदार्थों का एक ग्रुप था, और उस ग्रुप से ही क्या बने हैं, ये वर्तमान के ग्रह बने हैं। और ये कौन सी परिकल्पना है, ये बताती है अपने को निहारिका परिकल्पना। अच्छा दोस्तों, इस परिकल्पना में कुछ संशोधन हुए। क्या हुए इसमें? संशोधन हुए। आगे आने वाले विद्वानों ने इस परिकल्पना में कुछ बदलाव किया, और मुख्य रूप से इसमें संशोधन हुए, एक तो 1796 में और एक हुआ 1950 में। दो संशोधन हुए 1796 और 1950 में। कौन सी परिकल्पना में संशोधन हुए? निहारिका परिकल्पना में। और जो 1996 में जो सिद्धांत, जो संशोधन हुआ, वो संशोधन करने वाले जो विद्वान थे, उन विद्वान का नाम था 1996 में जो लाप्लेस थे, गणितज्ञ थे लाप्लेस, उन्होंने कुछ संशोधन किया था 1796 ईस्वी में इस परिकल्पना में। दूसरा 1950 में भी संशोधन हुए। 1950 में संशोधन करने वाले दो विद्वान थे, एक विद्वान रूस के थे और एक विद्वान थे जर्मनी के। कहाँ के थे? एक रूस के और एक जर्मनी के विद्वान थे। रूस के जो विद्वान थे उनका नाम था ऑटो सिमिड, और जो जर्मनी के विद्वान थे इनका नाम था कार्ल वाई जास्कर।
दो विद्वानों ने इसमें कुछ बदलाव किया, एक का नाम था ओटो सिमिट जो रूस के थे और एक थे कार्ल वाई जास्कर। इन दोनों ने इस निहारिका परिकल्पना में कुछ बदलाव किया और वो कब किया दोस्तों, 1950 में। इनके अनुसार जो निहारिका परिकल्पना है या पृथ्वी या जो ग्रहों का निर्माण है वो किस तरीके से हुआ, ये दोनों विद्वान ने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रहों का निर्माण हुआ, सूर्य क्या था, एक सूर्य जो है वो सौर निहारिका से, सूर्य किससे गिरा हुआ था, सौर निहारिका से। ये लोग ये बताते हैं कि सूर्य सौर निहारिका से गिरा हुआ था, सौर निहारिका से, निहारिका से घिरा हुआ था, घिरा था। और ये जो निहारिका है ये किससे बनी थी, ये भी लिख रहे हैं आप लोग, निहारिका हाइड्रोजन हीलियम व धूल कणों से बनी थी, इनसे निहारिका बनी थी, हाइड्रोजन हीलियम और धूल कणों से। और इस निहारिका के जो कण थे इनके कणों में, निहारिका के कणों में लिख लो, निहारिका के कणों में, निहारिका के कणों में परस्पर घर्षण हुआ, इसके अलावा टकराव हुआ, और टकराव और घर्षण से एक चपटी तस्तरी का निर्माण हुआ, चपटी तस्तरी का निर्माण हुआ, और तस्तरी के निर्माण से ही क्या बने, ग्रह बने, और इनसे क्या बने, ग्रह बने। ये कौन सी परिकल्पना बताती है अपने को, निहारिका परिकल्पना ही बताती है, लेकिन निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन करके जो ओटो सिमिट और कार्ल वाई जास्कर ने कुछ अलग विशेष बताया, वो परिकल्पना इसमें कुछ चेंज करके अपने को इस तरीके से बताती है ग्रहों के निर्माण के बारे में। अच्छा, दूसरा जो अपन बात करें, जो प्रारंभिक सिद्धांत थे उनमें ही दूसरी सिद्धांत है द्वितारक सिद्धांत। कौन सा है, द्वितारक सिद्धांत। दोस्तों द्वितारक सिद्धांत क्या है और ये किसने दिया है, पहले चर्चा कर लेते हैं। द्वितारक सिद्धांत आया था दोस्तों 1900 ईस्वी में। कब आया था, 1900 ईस्वी में आया था। और ये सिद्धांत देने वाले कौन थे, द्वितारक सिद्धांत को किसने दिया था, चैम्बरलिन और मॉल्टन ने, चैम्बरलिन व मॉल्टन, चैम्बरलिन और मॉल्टन ने यह सिद्धांत पारित किया था। और ये क्या बताते हैं, ये चैम्बरलिन और मॉल्टन बताते हैं कि जो सूर्य जो है, सूर्य के पास से एक भ्रमणशील तारा गुजरा भ्रमणशील तारा गुजरा सूर्य के पास से। और इस तारे में क्या थी, ग्रेविटी पावर थी, इस तारे में क्या थी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इस यह तारा सूर्य की सतह से कुछ हिस्सा तोड़कर अलग कर देता है, यानी कि सूर्य की सतह से कुछ सिगाल नुमा पदार्थ बाहर निकलता है और वो पदार्थ ही क्या करता है, सूर्य के चक्कर लगाने लग जाता है, जिससे क्या बनते हैं, ग्रह बनते हैं। ये किसने कहा था, चैम्बरलिन और मॉल्टन ने कहा था। अच्छा, इसको पूरा लिख लेते हैं। सूर्य के पास से एक भ्रमणशील तारा गुजरा जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल था, जिसके डायरेक्ट लिख देते हैं, जिसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य का कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया, सूर्य का कुछ हिस्सा सिगार नुमा आकृति में अलग हुआ। और सूर्य की परिक्रमा करने लग गया और वो ही क्या बने, आज के ग्रह बने।
ये किसने कहा? मोल्टन और चैम्बरलिन ने कहा। मोल्टन और चैम्बरलिन द्वितारक सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, 1900 ईस्वी में प्रतिपादित करते हैं, और ये बताते हैं कि सूर्य के पास से एक भ्रमणशील तारा गुजरा और उस भ्रमणशील तारे के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सूर्य का कुछ हिस्सा टूटकर सिगार की आकृति में सूर्य से बाहर हो जाता है, और जब सूर्य से ये बाहर आता है तो सूर्य के ही चक्कर लगाने लग जाता है, परिक्रमा लगाने लग जाता है, और वही आगे चलकर क्या बनते हैं दोस्तों? ग्रह बनते हैं। ऐसा किसने कहा? चैम्बरलिन और मोल्टन ने। ये थी कौन सी? आरंभिक संकल्पनाएं। आरंभिक संकल्पनाओं में अपन ने दो पढ़ा, निहारिका परिकल्पना और द्वितारक सिद्धांत। अब दोस्तों अपन देखते हैं आधुनिक सिद्धांत के बारे में। दोबारा से एक बार देख लेते हैं, निहारिका परिकल्पना इमैनुअल कांट ने दी थी, इसमें दो बार संशोधन हुआ था, 1796 में लाप्लेस ने और 1750 में रूस के ओटो स्मिट व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने ऐसा किया था, इसमें संशोधन किया था। और द्वितारक सिद्धांत में 1900 ईस्वी में जो चैम्बरलिन और मोल्टन है, इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित। दोस्तों आरंभिक या प्राचीन सिद्धांत पढ़ने के बाद में अब अपन पढ़ते हैं ग्रहों की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सर्वमान्य और लोकप्रिय सिद्धांत, जिसे सभी विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है कि पृथ्वी या ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सटीक और सही सिद्धांत जो बताता है हमें, वो अपना आधुनिक सिद्धांत बताता है, और उस सिद्धांत का नाम क्या है? बिग बैग सिद्धांत। क्या नाम है दोस्तों? बिग बैग सिद्धांत। और बिग बैग सिद्धांत को ही कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत। विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत कहते हैं अपन इसी सिद्धांत को, जिसे बिग बैग सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों ये सिद्धांत क्या बताता है? ये सिद्धांत बताता है कुछ बिंदु, और वो बिंदु क्या है ये पहले मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहले ये क्या बताता है? ये बताता है कि प्रारंभ में एक छोटा अणु था जिसका घनत्व व तापमान अनंत और आयतन सूक्ष्म था। फिर इसी अणु में आगे वाले चरण में क्या हुआ? इसी अणु में 13.7 अरब वर्ष बाद भीषण विस्फोट हुआ। क्या हुआ दोस्तों? भीषण विस्फोट हुआ, और भीषण विस्फोट होने की वजह से ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। इससे क्या हुआ? ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा, और ये विस्तार भी प्रारंभ में तीव्र व बाद में धीमी गति से हुआ। अच्छा, आगे क्या हुआ? आरंभिक प्रथम तीन मिनट में पहले ग्रहणों का निर्माण हुआ, पहला ग्रहणों बना। फिर आगे क्या? प्रथम 3 वर्षों में तापमान 4500 केल्विन गिर गया। अच्छा, अब देखते हैं अपन इस सिद्धांत को डिटेल से समझते हैं। क्या है सिद्धांत? बिग बैग सिद्धांत। बिग बैग सिद्धांत जो है, या विस्तृत होता ब्रह्मांड सिद्धांत, एक ही बात है दोस्तों। यह सिद्धांत बताता है कि प्रारंभ में जिनसे ग्रह बने हैं या पृथ्वी बनी है, वो प्रारंभ में एक क्या थे? छोटे अणु थे, एक छोटे गोलक थे, और उस छोटे अणु का तापमान बहुत ज़्यादा था, तापमान अनंत था, घनत्व भी उसका बहुत ज़्यादा यानी कि अनंत था, लेकिन उसका आयतन क्या था? बिल्कुल सूक्ष्म था। आयतन कम था, तापमान और घनत्व अनंत था। अब दोस्तों उस अणु में आज से 13.7 वर्ष पहले एक भीषण विस्फोट होता है, उस गोलक में एक भीषण विस्फोट होता है 13.7 अरब साल
पहले। और जब विस्फोट होता है तो ये अणु टूटकर बिखर जाता है, और जब अणु टूटकर बिखरता है तो इसके पदार्थ क्या होते हैं, दूर दूर गति करते हैं। और ये जो दूर गति करते हैं, यानी कि जब दूर जाते हैं, तो इस प्रारंभिक समय में तो ये गति बहुत तेज होती है, लेकिन फिर बाद में इसकी गति धीमी हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर अपन मान लीजिए कोई पत्थर का टुकड़ा होता है और उस पत्थर के टुकड़े पर अपन हथौड़े की चोट मारेंगे तो क्या होगा दोस्तों, वो टूट जाएगा, वो बिखरेगा। और जब टूटेगा तो उसके जो टुकड़े हैं वो उससे दूर गति करेंगे, क्योंकि उसमें एक बल भी काम करेगा, एक गति काम करेगी, तो वो टुकड़े क्या होंगे, दूर गति करेंगे। अब जब दूर गति करेंगे तो अपन ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि प्रारंभ में इनकी गति तेज थी और बाद में फिर इनकी गति धीमी धीमी होते हुए ये लास्ट में जाकर रुक गए। तो ऐसे ही ठीक बिग बैग सिद्धांत बताता है कि प्रारंभ में गति इनकी तेज थी, जब विस्फोट हुआ, जब पदार्थ बिखरे, तब प्रारंभ में इनकी गति तेज, लेकिन बाद में ये गति धीमी पड़ गई, है ना। और इसी सिद्धांत को आप इसका स्क्रीनशॉट ले, पहले ये बता दीजिए प्रथम तीन मिनट में पहले ग्रहाणु का निर्माण हुआ था। जब बिग बैग घटना हुई उसके 3 मिनट बाद में एक पहला ग्रहाणु बन चुका था, और बिग बैग घटना के 3 वर्ष बाद तक जो ग्रह है या जो ब्रह्मांड है इसका तापमान 4500 केल्विन गिर गया था। और इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि इसी समय पर ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया था, यानी कि ब्रह्मांड में आर पार दिखने लग गया था लगभग 3 वर्ष बाद में। किसके 3 वर्ष बाद में, बिग बैग की घटना के 3 वर्ष बाद में। इसी संकल्पना को अपन आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं जो ब्रह्मांड या जो बिग बैग सिद्धांत था, कौन सा सिद्धांत, बिग बैग सिद्धांत, या फिर अपन ने इसे ये कहा था क्या, विस्तृत ब्रह्मांड संकल्पना, ये भी कहा था अपन ने, तो विस्तृत ब्रह्मांड संकल्पना या बिग बैग सिद्धांत। तो दोस्तों विस्तृत ब्रह्मांड संकल्पना क्यों कहा गया इसे, दोस्तों बात है 1920 की। 1920 में विद्वान एडवर्ड हब्बल, इन्होंने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एडवर्ड हब्बल ने प्रमाण दिया कि क्या हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और उन्होंने इस प्रक्रिया को किस तरीके से समझाया, एक गुब्बारे, बलून जानते हो दोस्तों, गुब्बारा जानते हो, गुब्बारे के उदाहरण से समझाया उसने। उन्होंने समझाया कि पहले क्या थे, ये सभी जो ग्रहाणु है वो सभी एक जगह थे, सभी जो तत्व थे वो एक ही जगह थे। ये अपने बिग बैग में देखा कि सभी एक गोलक के रूप में थे, लेकिन इन्होंने बताया कि अभी जो है ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है, सभी ग्रह एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। इन्होंने उदाहरण से गुब्बारे का समझाया कि आप एक गुब्बारा लीजिए और गुब्बारे पे क्या कर दीजिए, डॉट डॉट निशान कर दीजिए, और डॉट डॉट निशान करने के बाद में आप मार्कर से उसे निशान कर दिया, फिर उसके बाद में हवा भरिए। तो गुब्बारे में जैसे हवा भरते हैं तो क्या होते हैं, वो जो चिन्ह है वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, दिखाई देता है। तो वो जो चिन्ह बनाए थे पढ़ने, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यही इन्होंने बताया था विस्तृत। इसी तरीके से इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है, और गुब्बारे की जो उदाहरण है उसके आधार पर बताया था। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ मिस्टेक भी है। उसमें मिस्टेक क्या है कि जैसे ही अपन गुब्बारे में हवा भरेंगे तो जो बिंदु थे वो एक दूसरे से दूर तो जा ही रहे हैं, साथ में उन बिंदुओं का आकार भी बढ़ रहा है, यानी कि वो बिंदु बड़े होते भी दिखाई देते हैं। लेकिन ये अपने ब्रह्मांड पर, इस सिद्धांत पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये एडवर्ड हब्बल कहते हैं कि ग्रह एक दूसरे से दूर जा रहे हैं लेकिन उनका आकार नहीं बढ़ रहा है, वो उतने ही है। तो जो बलून पर अपने को डॉट बढ़ते हुए दिखाई देते हैं वैसा नहीं है, ग्रह एक दूसरे से दूर जा रहे हैं लेकिन जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं। तो दोस्तों इसी को आगे बढ़ाते हुए अब अपन एक देखते हैं, हॉयल एक विद्वान थे, कौन थे, हॉयल। इन्होंने एक संकल्पना प्रस्तुत की थी और जिसका नाम था स्तर ब्रह्मांड संकल्पना। इन्होंने एक संकल्पना दी थी जिसका नाम था स्थिर ब्रह्मांड संकल्पना, और इस संकल्पना के अंतर्गत इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड हमेशा एक जैसा ही रहा है। यानी कि एडवर्ड हब्बल को क्या कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे कि बिग बैग के सिद्धांत को भी चुनौती दे रहे थे। बिग बैग सिद्धांत क्या कहता है कि पहले एक अणु थे, फिर बाद में ये जो विभिन्न ग्रह है वो एक दूसरे से दूर गए, और ये गति अनवरत जारी है, अभी भी जारी है, अभी भी ग्रह एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये बिग बैग सिद्धांत बताता है, ये एडवर्ड हब्बल हमें बताते हैं। लेकिन हॉयल ने कहा क्या सिद्धांत दिया, स्थिर ब्रह्मांड संकल्पना। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में विस्तार नहीं हो रहा है, ब्रह्मांड जैसा पहले था वैसा ही आज है,
ये किसका कहना है? होयल का। लेकिन सभी विद्वानों ने इसे नकार दिया है, क्योंकि अपन ने पहले भी देखा था कि सभी विद्वान किस नकार दिया, यानी कि सभी विद्वान किस सिद्धांत को मानते हैं दोस्तों? वो सिद्धांत कौन सा है? बिग बैग सिद्धांत है, जो आज से 13.7 अरब साल पहले ये घटना हुई थी, और इसी घटना से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ था। पिछले तीन घटना के शुरुआती 3 मिनट में पहला ग्रहाणु बना, उस ग्रहाणु से ग्रह बने, और शुरुआती 3 वर्ष में इसका तापमान जो अनंत था वो गिरकर 4500 सेल्सियस कम हुआ, साथ ही जो ब्रह्मांड है वो पारदर्शी हो गया। तो दोस्तों ये अपन ने देखा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत थे उनके बारे में। तो दो सिद्धांत अपन ने सिद्धांतों को दो तरीके से डिवाइड किया, एक आरंभिक सिद्धांत थे और एक आधुनिक सिद्धांत। आरंभिक सिद्धांतों में अपन ने निहारिका परिकल्पना और इसके अलावा द्वितारक सिद्धांत को पढ़ा, और इसी के साथ अपन ने आधुनिक सिद्धांत में बिग बैग सिद्धांत के बारे में पढ़ा। तो आई होप दोस्तों ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत थे वो क्लियर हो गए होंगे, पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति और इसके विकास से संबंधित जो भी सिद्धांत थे वो अपन ने पढ़ लिए हैं। इससे बाहर लेबस सिस्टम सिलेबस में इस सिद्धांत में कुछ भी नहीं होने वाला है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में, तारों की उत्पत्ति के बारे में, और फिर जो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के विकास के बारे में। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में इस लैब असिस्टेंट की एग्जाम को पार करने के लिए, क्रैक करने के लिए। और आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।